वेलकम टू सद्भावना न्यूज़ एंड मैं पूनम शर्मा। प्यूरिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो मानव शरीर की हर सेल में पाया जाता है। यह कंपाउंड एनिमल बेस्ड खाद्य पदार्थों जैसे मीट आदि में अधिक पाया जाता है। प्लांट बेस्ड फूड में इसकी मात्रा कम होती है। आपके शरीर में पाचन के दौरान यह ब्रेक डाउन होकर यूरिक एसिड में तब्दील हो जाता है, जिससे आपका गाउट या अन्य बीमारियां होने का खतरा अधिक बढ़ जाता है। इसलिए आपको ऐसी चीजों का सेवन कम ही करना चाहिए जिनमें प्यूरिन अधिक होता है। तो आज हम कुछ ऐसे ही खाद्य पदार्थों के बारे में जानेंगे जिनमें अधिक प्यूरिन होता है और जो आपको खाने से बचना चाहिए। आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से। ना खाएं प्यूरिन से भरपूर ये फूड्स। प्यूरिन रिच फूड्स टू अवॉइड। एक, चिकन। चिकन प्रोटीन का एक बहुत ही अच्छा स्रोत होता है और इसमें आपको अमीनो एसिड और विटामिन B3 जैसे तत्व भी मिलते हैं जो आपके शरीर के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। यह आपके शरीर के कार्ब्स को एनर्जी में बदलने में भी मदद करता है, लेकिन इसमें प्यूरिन की मात्रा भी अधिक होती है। 100 ग्राम चिकन में लगभग 175 mg प्यूरिन पाई जाती है, इसलिए अगर आपको गाउट या है तो इसका सेवन न करें। 2. किशमिश। डिहाइड्रेट हुए अंगूरों को ही हम किशमिश कहते हैं और किशमिश से आपको पोटेशियम और आयरन आदि पोषण मिलते हैं। यह आपके शरीर के लिए हेल्दी तो होती है, लेकिन उन लोगों के लिए नहीं जिन्हें यूरिक एसिड से समस्या होती है, क्योंकि 100 ग्राम किशमिश में लगभग 105 mg प्यूरिन होता है, इसलिए इसे न खाएं। 3. सी फूड। सी फूड भी वैसे तो आपकी सेहत के लिए काफी लाभदायक होता है, क्योंकि अधिकतर मछलियों और सी फूड में ओमेगा 3 और फैटी एसिड मौजूद होते हैं जो आपके शरीर को पर्याप्त पोषण प्रदान करते हैं, लेकिन सी फूड प्यूरिन से भी युक्त होता है, इसलिए प्यूरिन का सेवन न करने वाले लोगों को सी फूड से भी परहेज ही रखना चाहिए। 4. पीनट्स। सर्दियों के मौसम में मूंगफलियों या पीनट का सेवन अधिक किया जाता है और आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें प्रोटीन होता है और यह आपको बायोटिन की भी पर्याप्त मात्रा उपलब्ध करवाते हैं, जो कि बहुत लाभदायक रहता है। लेकिन पीनट में प्यूरिन की मात्रा भी अधिक होती है, यह भी आपको जान लेना चाहिए। 100 ग्राम पीनट में 75 mg प्यूरिन होता है, जो गर्भवती महिलाओं के लिए सही नहीं होता है। 5. रैबिट। 100 ग्राम रैबिट में 132 mg प्यूरिन की मात्रा पाई जाती है, जो कि अधिक है, लेकिन रैबिट में चिकन और अन्य मीट के स्रोत आदि के मुकाबले प्रोटीन की मात्रा भी बहुत अधिक पाई जाती है। अगर आपको प्यूरिन से होने वाली कोई समस्या है, केवल तभी इसे खाना बंद करें, अन्यथा आप इससे पोषण प्राप्त कर सकते हैं। 6. शराब। अल्कोहल। शराब का सेवन करना तो वैसे भी आपकी सेहत के लिए हानिकारक होता है, और इससे भी अधिक बुरा आपको यह जानकर लगेगा कि शराब में प्यूरिन की मात्रा भी अधिक होती है, इसलिए अब आपके पास इसे अवॉइड करने का एक और भी कारण आपको मिल चुका है। तो यह थी कुछ खाद्य पदार्थ जिनमें प्यूरिन की मात्रा अधिक होती है, और अगर आपको गाउट या यूरिक एसिड से जुड़ी समस्या है तो आपको यह सब चीजें नहीं खानी चाहिए। इसके अलावा आपको बेकन, ओटमील आदि चीजें भी नहीं खानी चाहिए, पर लो फैट दूध, दही आदि खा लेना चाहिए। आप फल और सब्जियां आदि भी खा सकते हैं। कॉफी का सेवन करना चाहे तो आप सीमित मात्रा में कर सकते हैं। पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज़।